डियर स्टूडेंट, एक यूनिट फोर्थ का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है लैटिस एंड ब्रिज्ड टी इक्वलाइजर्स। तो ये इक्वलाइजर जो लास्ट क्लास में मैंने दिया था वीडियो, उसी के आगे का कंटिन्यू है। दीज आर सर्किट्स विच आर यूज टू करेक्ट फॉर द एम्पलीट्यूड एंड और फेज इरर्स ऑफ अ नेटवर्क और ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड और फेज इरर्स ऑफ ए नेटवर्क और ट्रांसमिशन लाइन, इनमें जो भी है। असिमेट्रिकल लैटिस इज ए टू पोर्ट इलेक्ट्रिकल वेव फिल्टर इन विच डायगोनिकली क्रॉस्ड शंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट अ कॉन्फिगरेशन विच सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम लैडर नेटवर्क। तो लैडर नेटवर्क हमारा क्या होता है, ये देखिए द सिमेट्रिकल लैटिस। सिमेट्रिकल लैटिस में यहाँ पे देखिए ये नेटवर्क बना होता है, यहाँ ZA ZA दोनों तरफ बराबर इक्वल जो है हमारा इम्पीडेंस लगा हुआ है। तो ये क्या कराया जाता है, सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क। यहाँ पे ZB ZB दोनों तरफ इक्वल है, इसलिए इसको हम सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क कहते हैं। इट इज शोन इन लैटिस नेटवर्क दैट व्हेन अ लैटिस इज कन्फिगर्ड एज ए डिले नेटवर्क इट हैज अ करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस विच इज रजिस्टिव। रजिस्टिव मतलब आर नॉट इक्वल टू आर नॉट। इट्स इम्पीडेंस ZA एंड ZB आर ड्यूल इम्पीडेंसेस। ड्यूल इम्पीडेंसेस मतलब दैट इज ZA इंटू ZB, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर और ZA अपॉन आर नॉट इक्वल टू आर नॉट अपॉन ZB एंड ZA एंड ZB कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। इसमें क्या है, दो कंपोनेंट होते हैं, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। सच अ लैटिस इज ए कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क एंड एन ऑल पास फिल्टर एंड इट हैज अ फेज रिस्पॉन्स डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ZA। ठीक है, ये हो गया लैटिस नेटवर्क। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वलाइजर्स। इक्वलाइजर्स की करैक्टरिस्टिक क्या है, इट फीचर्स फोर बैंड्स ऑफ इक्वलाइजर्स। पहला है हाई फ्रीक्वेंसी, दूसरा हाई मिड फ्रीक्वेंसी, तीसरा लो मिड फ्रीक्वेंसी, चौथा लो फ्रीक्वेंसी। देयर इज आल्सो अ फिल्टर विच कैन बी यूज टू कट लो फ्रीक्वेंसीज। द टू मिड रेंज बैंड्स आर ईच पैरामेट्रिक इक्वलाइजर्स। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ इक्वलाइजर्स, ये इसके एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ इक्वलाइजर का यूज होता है। इक्वलाइजर्स आर यूज इन रिकॉर्डिंग स्टीरियो। इक्वलाइजर्स आर यूज इन स्टीडियोस। इक्वलाइजर्स आर यूज इन प्रोडक्शन कंट्रोल रूम्स, लाइव साउंड रेनफोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर्स में, एडजस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ माइक्रोफोन्स और लाउड स्पीकर्स में एटसेट्रा। ये इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।